वीडियो च जिस नौजवान नूं तुसीं वेख रहे हो यह है बिहार के पिंड बैजनाथपुर का रहने वाला रवि प्रकाश जो कि आने वाली पीढ़ियों लई कुदरत नूं बचाउण दा टीचा लैके घरों साइकल ते भारत देश की यात्रा करन लई निकलिया। अज इस नौजवान नूं साइकल ते देश घूमदियां नूं 167 दिनों का समा पूरा हो चुका है। हुशियारपुर पहुंचण ते रवि प्रकाश का हुशियारपुर तो उगे साइकलिस्ट बलराज चौहान वालों निघा स्वागत करदा होया उसनूं अगले पड़ाव लई रवाना किया गया। गलबात दौरान रवि प्रकाश ने दस्सिया कि उस वल्लों अपनी यह यात्रा 19 नवंबर 2022 नूं झारखंड तो शुरू की गई तो वक्-वक् सूबियां च हुंदा होया अज उह पंजाब पहुंचे है तो हुण तक उस वल्लों 10 के करीब सूबियां की यात्रा मुकम्मल कर ली गई है। रवि प्रकाश का कहना है कि उसनूं उम्मीद है कि वह एक साल च यह यात्रा पूरी कर लेगा। उसने दस्सिया कि अज जिस तरह नाल कुदरत दे नाल खिलवाड़ हो रहा है वह सरासर गलत है तो सानूं सारियां नूं सांझे तौर पर कुदरत नूं बचाउण लई हमला मारना चाहिए। इस मौके बलराज चौहान ने दस्सिया कि रवि प्रकाश की उम्र महज 20 साल की है तो हुण तक 11,000 किलोमीटर तो वधेरे की साइकल यात्रा यह नौजवान कर चुके हैं तो अजिहे नौजवानों ते देशवासियों नूं माण करना चाहिए। हुशियारपुर दे उस दे नाल चेतन कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि प्रकाश है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आप जो ऑल इंडिया बाइक टूर पे निकले हो, आप कब निकले थे? आप आज मेरा 167वां दिन है, नवंबर में मैं निकला था। और पूरे भारत का टूर लगा रहे हो? के लोग बहुत अच्छे हैं, हर अब तक मैंने हर तरह के लोगों को देखा, मतलब बिहार से शुरू करके झारखंड, बिहार, बंगाल, सिक्किम, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरला, अभी पंजाब में, फिर चंडीगढ़ में भी था। तो लोग सब जगह के एक ही जैसे हैं, बस उनका रूप रंग और भाषा बदल जाता है। सब अपने देश की यही यह है कि लोग बहुत ही अच्छे हैं, हर जगह मदद मिलती है लोगों की। एक्सपीरियंस कैसा रहा तक? बहुत ही अच्छा, कुछ जगह पे होता है एक्सपीरियंस बुरा, लेकिन ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। कोई इतने दिनों में आपको दिक्कत आई हो जिससे आप बहुत परेशान हुए हों, वो कोई खास वजह? हाँ, थोड़ी बहुत, जैसे कि एक बार फ़ोन चोरी हो गया तमिलनाडु में, कई बार जंगल में फंसना पड़ता है, जैसे हासीमारा फॉरेस्ट करके है बंगाल असम बॉर्डर पे, तो उसमें मैं बीच जंगल में रात को फंस गया, हाथी अटैक करते हैं वहाँ, पता नहीं था मेरे को। सुबह उठ के देखता हूँ तो मेरे ऊपर ही बोर्ड लगा हुआ है कि एलिफेंट अटैकिंग जोन। इसी तरह से दार्जिलिंग के रास्ते में पड़ता है रोहिणी गाँव, वहाँ पर लेपर्ड अटैक होता है, तो वहाँ पर भी गाँव वाले बताए नहीं कि यहाँ पर चीता आता है रात को, लेकिन सुबह उठ के देखा सब ठीक ठाक, वो लोग दौड़ के आए थे देखने के लिए। कुछ तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन अब तक ऐसा मेरे रास्ते में कोई व्यवधान नहीं आया। पंजाब में आके कैसा लगा? हाँ, पंजाब में आकर के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि और स्टेट के मुकाबले, अभी मेरा पंजाब में 3रा दिन है ये, और स्टेट के मुकाबले यहाँ पर रहने के लिए और खाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि गुरुद्वारे हर जगह अवेलेबल हैं, तो रात गुजार बिताने के लिए कभी सोचना नहीं है कि कहाँ बिताना है। कितने जो आप साइकिलिंग शुरू की, आपको कैसे आया मन में कि मैं पूरा भारत का साइकिलिंग करूँ? यहाँ बचपन से मेरे दिल में ये रहता था कि संपूर्ण भारत मेरा घर है और यहाँ के हर नागरिक मेरे परिवार के सदस्य हैं, इस जन्म में अगर इनसे नहीं मिले तो फिर ये ज़िंदगी बेकार है, ऐसा लगता था। तो घर वाले को बोलते बोलते 8वीं कक्षा से बोलते बोलते घर वाले को लगा कि ऐसे बोलता है, फिर जब 12th हो गया, ग्रेजुएशन में एडमिशन वगैरह लेकर के डिस्टेंस से मैं लिया, मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया था, लेकिन मेरे को देश देखना था इसलिए मैंने उनको छोड़ करके डिस्टेंस एजुकेशन में ये किया। कभी लगा नहीं खुद को कि बहुत हो गया अभी नहीं बस घर को जाना है? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि हर जगह लोग नए मिलते हैं, उनसे बातें करना, उनसे मतलब एक तरह से वो तो परिवार के सदस्य जैसे ही हैं, पूरे भारत तो एक परिवार है, तो कोई ये फीलिंग नहीं आता कि घर के बाहर है, हर जगह मेरा घर ही लगता अब है। कितने दिन लगेंगे अभी आपको पूरा भारत घूमने के लिए? पूरा भारत एक साल का प्लान लेके, अभी 167 दिन हुए हैं तो एक साल में पूरा भारत हर स्टेट का। और जो खर्चा वगैरह होता है जो आपका रोज का, वो कैसे मैनेज होता है? मेरा खर्चा बहुत कम है, 150 रुपये 200 रुपये बहुत हो गया एक दिन का, तो घर वाले उतना ये कर लेंगे। लड़का रवि प्रकाश, मैंने कल कंटैक्ट होया से गढ़शंकर तो ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮਣਾ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਜਾਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦੇ, ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ
हरेक तरह कल्चर नूं अडोप्ट करता जाके चैक करता किदां दा किदां रहण सहण आ। तो मैं आप सोच रहा भी एक छोटे जे बच्चे की इन्नी वड्डी सोच जिहड़ी साडी वी नहीं अज तक हुई, भावें असीं भी इंडिया च बाहर जाके भी सैकल चलाया पर कभी इदां दा मन च नहीं आया। और इस बच्चे नूं बहुत वधिया शुभ इच्छावां आ। तो ये हूँ 11,000 किलोमीटर वधू सैकल चला चुका आ, हूँ जम्मू कश्मीर जाऊगा, कश्मीर तो फिर हिमाचल हिमाचल उत्तराखंड होकर फिर सारे केरला वगैरह घूमूगा। एक साल का प्लैन आ, मेरी शुभ इच्छावां आ। किहो जिहा महसूस हुंदा इस जे व्यक्ति नूं मिलके जो छोटी उम्र दे विच भारत घूमण दी इच्छा रखदा अपने परिवार नूं परिवार मानदा अपना, किहो जिहा लगदा? मैं कहा जी मैं आप इस तों प्रभावित हां। और एड्डी एक छोटे बच्चे जो दस रहे किन्ने साल तो पहले मैं गल मेरे मन के विच सी तां घर दे जिहड़े सीगे मैनूं मतलब कि खेचदे हुंदे सीगे। और मैं आप इस तों प्रभावित होया कि एक छोटे बच्चे दी इन्नी वड्डी सोच होना पूरा इंडिया घूमना। और पहला सोचना असी भी भावें सैकड़े हज़ारा किलोमीटर सैकल चलाने लखा चला लिया पर साड़ी वीडी सोच नहीं बन सकी। असी भी जाने तो पहला पहुँचने तो जिते जाना हो सोची कि किदा नहीं, पर यह बच्चा देखो अपना समान लैके नाल तुर रहा, इनू रात का नहीं पता होता कितने मैं स्टे करनी कितने मैं खाना कितने पीना, पर सलूट सलाम है इस बच्चे की सोच। वी आर अ मल्टीकल्चरल नेटवर्क कम्युनिटी, वी ग्रूम कॉम्पिटेंट ग्लोबल सिटीजंस टू अफेक्ट पॉजिटिव चेंज अराउंड देम।